मुझे वहाँ की स्थिति पता नहीं। सिपाल जी, आदित्य को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि जो है नामांकन आप करेंगे या जो है आदित्य जी करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है जनता के बीच। आप देखिए, इसमें तो हम आपसे यही कहेंगे, आप बहुत घूमते फिरते हो, जो आप सुझाव दे देंगे घूम फिर के वही हम करेंगे। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है, कल आपको बयान भी आया था, संगीत का मौजूद चल रहा है। देखिए, जितने भी हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं मिला है, उनमें से कुछ लोग हैं, जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। चलो, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट है कल का, उन्होंने ये कहा है कि हमारी कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत हो रही है, अखिलेश यादव जी से भी हमारी बातचीत हो रही है, तो क्योंकि आप करीबी हैं अखिलेश जी के, बैठते हैं बगल में, राजनीति को समझते भी, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में आना चाहिए? चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि वो PDA से चुनाव लड़े, कोई सिंबल ना हो और उनको समर्थन कर दिया समाजवादी पार्टी। देखिए, वो बड़े नेता हैं और शुरुआत उनकी लोकदल से है, ये भी मुझे पता है। अब थोड़ा सा जो निर्णय लिया है उन्होंने अभी बीच बीच में, अब क्या कहें उसको, जो बीच बीच में निर्णय वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो मैंने तो कहा कि मैं तो सबसे बात करता हूँ, करूँगा, अब ये रणनीति का हिस्सा है और आगे इसे बता नहीं सकता। कल एक स्टेटमेंट आपका रहा था, ये लोग कह रहे नहीं, हंसी मजाक में सिपाल जी ने कह दिया कि संगमित्रा मौर्य जी सिपाल जी का चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, हमें उम्मीद तो यही है, ये जितने टिकट कटे हैं यहाँ, वो सब समाजवादी पार्टी को हम पसंद, क्योंकि बड़ा था ये बीमा निकल गया था, और फिर जैसे ही उनके पिता पार्टी को शामिल होते, हालांकि वो बीजेपी की सांसद रही और अभी भी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, पार्टी है, सबको धोखा। अच्छा जी, एक सवाल आप भी आपसे और करना था, कांग्रेस पार्टी को 1400 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस दिया है IT ने, चुनाव के समय नोटिस दिया है, विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को लेकर एक है, क्या लगता है आपको कि भाजपा जो है इस तरीके से ED, CBI, IT, इस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा विपक्ष को ख़त्म कर लेगी और विपक्ष में कभी ED, CBI इन लोगों का कभी, अगर देखिए आपने देखे होगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर के इनकी पोल खोली है, अगर ये चंद ले लें तो इनके लिए तो चंदा है, और अगर विपक्ष नहीं लें तो इनकी ED और CBI। भारतीय जनता पार्टी बहुत बेईमान पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है।